नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। आज सिरसा में मेडिकल संचालक से हुई लूट। प्रतापगढ़ के नजदीक पिस्तौल की नोक पर हुई थी लूट। मेडिकल संचालक विजय सेठी से लूटे गए 1 लाख रुपए। दुकान बंद करने के बाद घर लौट रहा था विजय। शनिवार रात को हुई वारदात। मोटरसाइकिल पर आए थे 3 लुटेरे। 2 युवक थे नकाबपोश। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी है। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। सिरसा में एक बार फिर लुटेरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। शनिवार रात मोटरसाइकिल पर सवार 3 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। परशुराम चौक स्थित विजय मेडिकल के संचालक विजय सेठी से अज्ञात नकाबपोशों ने युवकों ने करीब 1 लाख रुपए की नकदी लूट ली। पिस्तौल की नोक पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ के नजदीक हुई थी वारदात। वारदात की सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने में जुटी है। अब देखना यह होगा कि आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। वहीं बताया गया कि विजय मेडिकल संचालक विजय सेठी कल रात करीब 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद में घर लौट रहे थे। पहले उन्होंने भादरा बाजार में स्थित शनिदेव मंदिर में शीश नवाया। घर लौटने के दौरान बीच रास्ते में प्रतापगढ़ के नजदीक मोटरसाइकिल पर आए 3 युवकों ने विजय सेठी को घेर लिया। इसमें से 2 युवक हाथ में लाठी लिए हुए थे। तीसरे युवक ने पिस्तौल तान ली और विजय का बैग छीन लिया। बैग में करीबन 1 लाख रुपए की नकदी थी। वारदात के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि लुटेरों का सुराग मिल सके। अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पीड़ित विजय सेठी ने बताया कि वह रोजमर्रा की तरह अपने घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में अज्ञात नकाबपोशों ने युवकों ने उससे रुपए से भरा हुआ बैग छीन लिया। पुलिस को शिकायत दी गई और पुलिस जांच में जुटी हुई है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। सिंह जानी। रात को जी मैं रूटीन की तरह अपनी दुकान से लगभग 10 बजे मंगल करके निकला। साथ में एक दुकान का मेरा स्टाफ भी था और मैं शनिदेव मंदिर में दर्शनों के लिए आया। और जब मैं दर्शन करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था तो 3 लोग जवान लगभग 30-35 साल की उम्र के, जिन्होंने मेरे आगे बाइक अड़ा दी और खड़ा करने के बाद मेरे सामने लठ लेके खड़े हो गए और उन्होंने मेरा बैग देने के लिए कहा। जब मैंने आनाकानी करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे पिस्टल दिखाया, तो मैं मेरे अपनी जान बचाने के चक्कर में डर से छोड़ दिया और वो मेरा बैग और उसमें ज़रूरी कागजात और मेरी दुकान की चाबियां लेके फरार हो गए, जिसकी फुटेज टीवी में कैद है। रात को ही पुलिस को सूचना दे दी। उन्होंने बहुत मुझे कॉपरेट किया और कंप्लेंट नोट करी और मेरे साथ उसी टाइम SHO साहब और चौकी प्रभारी मौके पर आई। उन्होंने पूरा जायजा लिया और रात को भी फुटेज उन्होंने मेरे साथ देखी।